क्वेश्चन, एक दस्तावेज के तल में जाने के लिए आप प्रेस करेंगे। ऑप्शन आपके सामने हैं, कंट्रोल प्लस एंड की, कंट्रोल प्लस होम की, या होम की, और चौथा है एंड की। तो आंसर हो जाएगा आपका पहला कंट्रोल प्लस एंड की। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओ एस आई मॉडल के चौथे परत का नाम क्या है? ऑप्शन आपके हैं अनुप्रयोग परत, दूसरा है डाटा लिंक परत, तीसरा है ट्रांसपोर्ट परत, और चौथा है सेंसन परत। तो आंसर हो जाएगा आपका ट्रांसपोर्ट परत। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस संशोधन के द्वारा भारतीय नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों को रखा गया है? 40वां संशोधन, 41वां संशोधन, 42वां संशोधन, 43वां संशोधन। तो देखिए, इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा 42वां संशोधन। अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर की मेमोरी आमतौर पर किलोबाइटों अथवा मेगाबाइटों के रूप में व्यक्त की जाती है। एक बाइट निम्न से बनी होती है। ऑप्शन आपके हैं 8 दशमलव अंक, दूसरा ऑप्शन है आपका 8 द्विदारी अंक, तीसरा है 2 द्विदारी अंक, और चौथा है 2 दशमिक अंक। तो इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन सही होगा दूसरा हो जाएगा 8 द्विदारी अंक। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। डोंगरी भाषा निम्न राज्य में बोली जाती है? असम, बिहार, जम्मू तथा कश्मीर, अंडमान और निकोबार। तो इस क्वेश्चन का तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा जम्मू तथा कश्मीर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एमएस एक्सेल की वर्क शीट में संपूर्ण कतार को छुपाने के लिए शॉर्टकट की क्या है? ऑप्शन आपके हैं Ctrl+2, Ctrl+9, Ctrl+N, Ctrl+R। तो देखिए, इस क्वेश्चन का ऑप्शन आपका दूसरा हो जाएगा Ctrl+9। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कंप्यूटर का आईसी चिप सामान्यतः किसका बना होता है? क्रोमियम, सिलिकॉन, सीसा, तांब। तो जो आपका कंप्यूटर का आईसी चिप जो होता है ये सामान्यतः किसका बना होता है? तो ये जो बना होता है ये सिलिकॉन का बना होता है, ध्यान रख लेना, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि दंडोक्ति ए, भारत के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर संविधान के अनुच्छेद 352 ए के अधीन आपातकाल उद्घोषित कर सकते हैं। तर्क बी में क्या आ जाता है? जब आपातकाल की उद्घोषणा पहले से सक्रिय हो, राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 20 और 21 को पीछे छोड़कर सभी मूल अधिकारों का प्रचालन निलंबित कर सकते हैं। तो देखिए, ऑप्शन आपके सामने चार हैं। पहला ऑप्शन है ए तथा आर दोनों सही हैं और आर ए का सही का स्पष्टीकरण है। दूसरा ऑप्शन आपका है ए तथा आर दोनों सही हैं लेकिन आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। तीसरा ऑप्शन है ए सही है लेकिन आर मिथ्या है। चौथा ऑप्शन है ए मिथ्या है लेकिन आर सही नहीं है। तो इस टाइप के भी क्वेश्चन एफसीआई में पूछे जाते हैं। तो आंसर मैं क्लियर कर रहा हूँ, आंसर आपका हो जाएगा दूसरा, ए तथा आर दोनों सही हैं लेकिन आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। तो दोस्तों, अगला क्वेश्चन है कि सीपीयू में कंट्रोल यूनिट का क्या कार्य है? ऑप्शन आपके हैं आंकड़ों को प्राथमिक भंडारण में स्थानांतरित करना, दूसरा ऑप्शन है प्रोग्राम निर्देशों का भंडारण, तीसरा है तार्किक कार्रवाई करना, और चौथा है प्रोग्राम निर्देशों को डिकोड करना। तो इस क्वेश्चन का चौथा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, प्रोग्राम निर्देशों को डिकोड करना। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत सरकार द्वारा हाल ही में जारी किए गए बजट में मुद्रा बैंक का सृजन का प्रस्ताव रखा गया, तो मुद्रा का तात्पर्य क्या है? ऑप्शन आपके सामने चार हैं, आंसर मैं क्लिक करता हूं, आंसर हो जाएगा आपका तीसरा, यानी माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट रेफरेंस एजेंसी। ओके, अगला क्वेश्चन है कि आईएसपी ये क्या है? ऑप्शन आपके हैं इंटरनेट पर अभिगम प्रदान कराता है, एक सीपीयू पंजी है, और एक सीपीयू कार्यात्मक इकाई है, प्रोसेसर का नेक है। तो इन चार ऑप्शन में आपको एक सही ऑप्शन बताना है कमेंट बॉक्स में। आंसर हो जाएगा आपका इंटरनेट पर अभिगम प्रदान कराता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि एफटीपी है, तो एफ टी पी क्या है? बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आसानी से आप कर सकते हैं। ऑप्शन आपके हैं ईमेल भेजने के लिए प्रयुक्त होता है, वेब पेज देखने के लिए प्रयुक्त होता है, नेट स्केप का एक हिस्सा है, कंप्यूटर के मध्य फाइलों के हस्तांतरण के लिए एक प्रोटोकॉल है। तो आंसर क्या होगा? आंसर हो जाएगा आपका चौथा, कंप्यूटर
कंप्यूटर के मध्य फाइलों के हस्तांतरण के लिए एक प्रोटोकॉल है। अगला क्वेश्चन, प्रथम पथ प्रदर्शक रोबोट जो कि एक दशक पूर्व अंतरिक्ष में खो गया था अभी हाल ही में लाल ग्रह के सतह पर पाया गया, इसका नाम बताइए। ऑप्शन आपके सामने चार हैं, आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है और आप अपनी जांच पर सकते हैं कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है। आंसर हो जाएगा आपका पहला, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला है कि न्यू होराइज़न्स प्लूटो के निकट पहुंचने वाला पहला अंतरिक्ष प्रोब यान बना, यह मिशन किसका है? इसरो, ESA, नासा, FKARKA। तो ऑप्शन आपके सामने चार हैं, आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आंसर हो जाएगा आपका नासा, ओके। अगला है GUI है, तो GUI क्या है? एक हार्डवेयर, भाषा दुभाषिया, सॉफ्टवेयर इंटरफेस, एक प्रचालन तंत्र। तो GUI क्या है? तो दोस्तों GUI एक है सॉफ्टवेयर इंटरफेस। अगला क्वेश्चन है कि किसी लोक पद पर किसी व्यक्ति की नियुक्ति निरस्त करने के लिए न्यायालय द्वारा जारी की जाने वाली समुचित याचिका निम्न की होती है? उत्प्रेक्षण लेख, निषेधाज्ञा, अधिकार प्रक्षा या परमादेश। तो आंसर क्या होगा? आंसर हो जाएगा आपका तीसरा, यानी कि अधिकार प्रक्षा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक देश का सकल राष्ट्रीय उत्पाद वर्ष में उत्पादित सभी वस्तुओं एवं सेवाओं का बाजार मूल्य एवं का योग है। ऑप्शन आपके निर्यात आय, आयात का बाजारी मूल्य, विदेशी अनुदान घटाकर या विदेशों से निवल आय। तो आंसर क्या होगा? आंसर हो जाएगा आपका चौथा, विदेशों से निवल आय, ओके। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मल्टीटास्किंग संदर्भित करता है। ऑप्शन आपके हैं एक ही समय में रैम में कई प्रोग्राम का होना, दूसरा है दो से ज्यादा प्रोग्रामों को का साथ साथ चलाने की क्षमता, तीसरा है कई भाषाओं का में प्रोग्राम का लेखन, चौथा है इनमें से कोई नहीं। आंसर हो जाएगा आपका दूसरा, दो या ज्यादा प्रोग्रामों का साथ साथ चलाने का सामर्थ्य, ओके। अगला है कि इसमें पूछ रहा है कि असत्य कथन को पहचाने, राज्यसभा की सदस्यता प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित का होना आवश्यक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला ऑप्शन आपका है उसे भारत का नागरिक होना चाहिए, दूसरा ऑप्शन है 30 वर्ष की आयु से कम नहीं होनी चाहिए, तीसरा ऑप्शन है संसद सदस्य बनने के लिए सभी अर्हताओं का पूरा करना चाहिए, चौथा ऑप्शन है भारत के किसी लोकसभा क्षेत्र में मतदाता होना चाहिए। तो आंसर मैं क्लियर कर रहा हूं, आंसर होगा भारत के किसी लोकसभा क्षेत्र में मतदाता होना चाहिए। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से असत्य को चुने, तो देखिए पहला ऑप्शन आपका है कि हर्ज फ्रीक्वेंसी मापन की इकाई है, दूसरा केल्विन तापक्रम मापन की इकाई है, तीसरा है रेल वातावरणीय दबाव मापन की इकाई है, चौथा है ओम विद्युतीय प्रतिरोध मापन की इकाई है। देखिए ऑप्शन मैं इसलिए पढ़ता हूं ताकि आपको थोड़ा सा टाइम मिल जाए आंसर को क्लियर करने में। आंसर क्या होगा बताइए कमेंट बॉक्स में। आंसर हो जाएगा आपका तीसरा, यानी कि रेल वातावरणीय दबाव मापने की इकाई है। अगला है कि बैंकिंग क्षेत्र में RTGS का तात्पर्य क्या है, बताइए क्या है। ऑप्शन आपके सामने चार है, ओके। आंसर मैं क्लियर करता हूं, आंसर हो जाएगा आपका पहला। अगला क्वेश्चन है कि अभी हाल ही में जल संकट से जूझते किस राष्ट्र को भारत द्वारा सहायता की गई, म्यांमार, फिलीपींस, मालदीव, बांग्लादेश। तो जल संकट से जूझते हुए किस राष्ट्र को भारत के द्वारा सहायता दी गई, मालदीव को सहायता प्रदान की गई। आंसर हो जाएगा आपका तीसरा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि एक RS-232 इंटरफेस होता है। ऑप्शन आपके हैं एक समानांतर इंटरफेस, दूसरा है एक सीरियल इंटरफेस, तीसरा है एक प्रिंटर इंटरफेस, एक मॉडर्न इंटरफेस। क्या आंसर होगा? आंसर होगा एक सीरियल इंटरफेस। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 8085 सूक्ष्म संसाधित में आंकड़े रखने के लिए पंजीस होती हैं, 8 बिट, 32 बिट, 16 बिट, इनमें से कोई नहीं। आंसर हो जाएगा आपका पहला, 8 बिट। आपको कमेंट बॉक्स में ये बताना है कि जितने भी क्वेश्चन के आंसर आप लोगों ने दिए हैं इन क्वेश्चन में आपके कितने क्वेश्चन राइट हैं और कितने क्वेश्चन रॉन्ग। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत ने अभी हाल ही में विश्व अंडर
16 शतरंज ओलंपियाड में स्वर्ण किस देश के विरुद्ध जीता? यूक्रेन, रूस, टर्की, ईरान। तो किसके विरुद्ध जीता ये पूछा जा रहा है, तो ये जीता है टर्की के विरुद्ध। अगला है, काजू जैसी फसलों के लिए कौन सी मृदा सबसे ज्यादा उपयुक्त है? लाल मखरली मृदा, काली मृदा, जलोढ़ मृदा या अनुर्वर मृदा? आंसर हो जाएगा लाल मखरली मृदा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हम धुंध के दौरान किस कारण नहीं देख सकते? प्रकाश का परावर्तन, आंतरिक परावर्तन, प्रकाश का बिखराव, इनमें से कोई नहीं। आंसर हो जाएगा आपका तीसरा, प्रकाश का बिखराव। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस मंत्रालय ने दो योजनाएं अनुसूचित जाति के लिए साहसिक पूंजी निधि एवं हरित व्यापार योजना लागू की? वित्त मंत्रालय, सामाजिक न्याय एवं सशक्तिकरण मंत्रालय, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, अल्पसंख्यक मामलों का मंत्रालय? आंसर हो जाएगा आपका दूसरा, सामाजिक न्याय एवं सशक्तिकरण मंत्रालय। अगला क्वेश्चन है कि सेना का समर्पित भारत का पहला उपग्रह है? जीसेट 12, जीसेट 7, जीसेट पहला, जीसेट 8। क्या आंसर होगा? आंसर हो जाएगा आपका दूसरा, जीसेट 7। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि उत्तरी सह्याद्री के त्रिभुज प्लेटू से निकलने वाली नदी है कावेरी, गोदावरी, कृष्णा, महानदी? तो कौन सी नदी है दोस्तों? ये नदी है गोदावरी नदी। ओके, अगला है, स्टार स्पोर्ट्स प्री कबड्डी लीग का शुभारंभ पदक विजेता कौन बना? यू मुंबा, जयपुर किंग, पैंथर, दबंग दिल्ली, बंगाल वॉरियर्स? तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन आपका दूसरा सही हो जाएगा, जयपुर किंग पैंथर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि हाजो तीनों धर्मों का एक प्राचीन तीर्थ स्थल, कौन सा धर्म इसमें शामिल नहीं है? तो कौन सा धर्म इसमें शामिल नहीं है? वो है जैन धर्म, जो कि शामिल नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस महासागर में पनामा नहर अटलांटिक महासागर से मिलती है? प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, अटलांटिक महासागर, कैस्पियन महासागर? क्या आंसर होगा? प्रशांत महासागर। इसमें आपको ये बोला है कि सूची 1 और सूची 2 से सुमेलित कीजिए। ये क्वेश्चन करीब 2 पूछे जाते हैं आपके एफसीआई के एग्जाम में, तो प्रैक्टिस जरूर कर लीजिएगा आप लोग। आंसर क्या होगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो देखिए आंसर मैं क्लियर कर रहा हूँ, आंसर हो जाएगा आपका दूसरा। ओके, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि अनुसुईया जिसने भगवान श्री राम की पत्नी सीता को जंगल में वनवास के दौरान उपदेश दिया, वह किस मुनि की पत्नी थी? अत्रि, अंगिरस, मारिची या कृतु? तो ये किसकी पत्नी थी दोस्तों? तो दोस्तों ये पत्नी थी अत्रि की। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है कि मैग्ना कार्टा 1215 की 800 ईस्वी वर्षगांठ को मनाने के लिए संसदीय प्रजातंत्र के इतिहास में विश्व के सबसे महत्वपूर्ण 4 जीवित प्रलेखों को एक साथ लाना अभी हाल ही में उत्सव का एक हिस्सा बना, यह कहां मनाया गया? वाशिंगटन में मनाया गया, दिल्ली, लंदन, काठमांडू? ये कहां मनाया गया? तो दोस्तों यह मनाया गया आपका लंदन में। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, 14वें वित्त आयोग ने भारतीय संघ के कर आय की शुद्ध आगत प्राप्तियों का राज्यों को हस्तांतरित करने की अनुशंसा की, 32-35%, 42%, 45%? तो कितने प्रतिशत? 42%। अगला क्वेश्चन, 14वें वित्त आयोग ने भारतीय संघ के कर आय की शुद्ध आगत प्राप्तियों को राज्यों को हस्तांतरित करने की अनुशंसा की, 32%, 35%, 42% या 45%? ये मैं आपको बता चुका हूँ, आंसर में बताया था 42%। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि भारतीय हॉकी लीग 3 कौन जीता? दिल्ली वेडर्स, यूपी विजार्ड, पंजाब वॉरियर्स, रांची रेंज? तो कौन जीता था? रांची रेंज जीता था। ओके, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, 1 MB स्मृति के लिए वांछित पाता लाइनों की संख्या होगी? 11, 16, 22, इनमें से कोई नहीं। आंसर होगा 16।